Hello students, welcome to BBVN online class. As our lesson for animals and insects is continue. In this chapter I have taught you about different kinds of animals that were divided into four categories according to their food habit. The first herbivores, then carnivores, then omnivores and then scavengers. हमने इन animals के बारे में पढ़ा था. Now our today's topic is body parts of animals. अब हम देखेंगे कि animals के body parts कौन से होते हैं, उनके special body parts कौन से होते हैं और वो उनकी क्या help करते हैं. So let's continue the topic. Animals have different kinds of bodies. Animals की अलग अलग तरह की bodies होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है. The shape and size of their body affects the way they move. Animals की body की जो shape and size होती है वो उनकी क्या help करती है, move करने में, उनकी चलने में help करती है. Some animals like the dog and the tiger walk on four legs. कुछ animals जैसे कि dog and tiger होते हैं, आपने देखा होगा उनके four legs होते हैं और वो उनकी help से move करते हैं, चलते हैं. Animals like the rabbit and the kangaroo hop on their stronger hind legs. कुछ animals just like rabbit and kangaroo वो अपने मजबूत पिछले पैरों की help से चलते हैं. उनके जो पीछे वाले पैर होते हैं वो ज़्यादा stronger होते हैं और वो उनकी help से चलते हैं. And animals like snakes slither on the ground. आपने देखा होगा जो स्नैक होता है वो ग्राउंड पे स्लीदर करता है. स्लीदर का मीनिंग क्या होता है, लुढ़कना. जो स्नैक होता है वो ग्राउंड पे स्लीदर करता है, लुढ़कता है. स्टिल अदर एनिमल्स सच एज कैटरपिलर्स क्रॉल. आपने देखा होगा कि जो ट्रीज होते हैं उन पे छोटे छोटे कैटरपिलर होते हैं, वो कैसे चलते हैं, ऐसे जिग जैग में क्रॉल करते हैं. क्रॉल मतलब रेंगना, वो ऐसे जिग जैग में रेंगते हैं. Now come on the next line. Birds fly. Birds क्या करते हैं, Birds fly with the help of wings. वो अपने wings की help से fly करते हैं. While fishes and crabs swim in water. जबकि जो fishes होती है और crabs होते हैं वो water में swim करते हैं, तैरते हैं. Now come on the next line. Some animals have special body parts. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स भी होते हैं. द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक टू ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. अब आपने देखा होगा जो जिराफ है उसकी नेक होती है वो कैसी होती है, काफ़ी लंबी होती है. तो वो उसकी जिराफ की नेक लंबी क्यों होती है, ताकि वो बिल्कुल टॉल ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी लीव्स को वो आसानी से खा सके. अदरवाइज अगर उसकी जो नेक छोटी हो तो उसको खाने में फिर प्रॉब्लम्स आएगी, वो खा नहीं सकेगा. सो उसकी जो नेक होती है वो लॉन्ग होती है, ताकि जो टॉल ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनकी लीव्स को वो ईजीली खा सके. एंड द डीर हैज़ थिन लेग्स टू आउटरन एनिमीज. इसी प्रकार जो डीर होते हैं उनके जो पतले लेग्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं उनकी, टू आउटरन एनिमीज, अपने जो उनके शत्रु होते हैं उनसे दौड़ने के लिए, उनसे अपनी जान बचाने के लिए. और वो उनके जो पतले लेग्स होते हैं वो उनको तेज़ दौड़ने में, अपने शत्रु से अपनी रक्षा करने में, अपनी हेल्प करने में बहुत हेल्प करते हैं. अपने थिन लेग्स की हेल्प से वो काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं. फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स हैव लॉन्ग टंग्स टू कैच इंसेक्ट्स. अब देखिए जो फ्रॉग्स एंड लिजार्ड होते हैं वो, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड हैव लॉन्ग टंग्स, उनकी जो टंग होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है. किस लिए, टू कैच इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो आसानी से अपनी लॉन्ग टंग की हेल्प से पकड़ लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने समझा कि कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के जो उनकी बहुत हेल्प करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो उनके, उनकी जो बॉडी होती है उनकी शेप और साइज़ भी अलग अलग होती है.
In this picture, you can see that the neck of giraffe is long. कि जिराफ की जो नेक है वो काफ़ी लॉन्ग है, जिससे कि वो आसानी से ट्री की जो लीव्स होती है वो खा सकता है. सो स्टूडेंट, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ आवर लेसन, पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स. यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक एट होम. थैंक यू.